दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल अबू धाबी एरिया। ये है ब्रिज और मैं यहाँ से जाने लगी हूँ। ये पूरा रास्ता है ब्रिज का, नीचे जाने लगी हूँ मैं। कोई भी नहीं है यहाँ पर, बहुत सन्नाटा है। यहाँ से आप बाइक्स और साइकिल वगैरह ले जा सकते हो। ये है ब्रिज के नीचे का व्यू। यहाँ पर चारों तरफ इन्होंने कुछ कैमल्स वगैरह बनाए हैं और बड़ी अच्छी सी पेंटिंग की हुई है। यहाँ से मैं जाने लगी हूँ ऊपर, तो ये है फर्स्ट फ्लोर, दिस इज़ सेकेंड, नाउ दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ। गर्मी ये देखिए कितनी है कि ग्लास सारे गीले हो रहे हैं, अंदर इतनी नमी है। दिस इज़ और मेन सिटी खालिदिया। और अभी मैं जा रही हूँ आगे की तरफ, लगा हुआ है बोर्ड के आपको जिस तरफ ही जाना है, आप यहाँ से गार्डन देख सकते हो। जा रही हूँ रोड व्यू से, वैसे तो गली से भी जा सकते हैं, वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन मैं जा रही हूँ अभी रोड से ही। आ चुकी है सफ़ा मार्केट। सफ़ा पे आपको हर तरह की ग्रॉसरी और सारे जो हाउसहोल्ड आइटम्स हैं बहुत ही अच्छी कॉस्ट पर मिल जाते हैं। ये है टैक्सी स्टैंड, टैक्सी और बस स्टैंड, यहाँ से आप टैक्सी और बसेस वगैरह पिक कर सकते हैं। ये देखिए सामने मैकडोनल्ड्स की ब्रांच नज़र आ रही है, पास ही KFC है, उसके पास ही पिज़्ज़ा हट है। यहाँ के लोग वैसे फ़ास्ट फूड के बहुत शौकीन है, तो यहाँ पे आपको हर दूसरी साइड पर फ़ास्ट फूड के और आउटलेट्स वगैरह मिलेंगे। चलते चलते आ चुकी है वीवा मार्केट। और वीवा यहाँ की बहुत स्पेशल मार्केट है, यहाँ पर आपको ग्रॉसरी वगैरह बहुत ही चीप प्राइसेस पर मिलती है। थोड़ी इनकी क्वालिटी कुछ चीज़ों में लो होती है, तो इसलिए देख कर बाय करना पड़ता है। वर्ल्ड फेमस शेरटन होटल, यहाँ से लोग विजिटर्स वगैरह ज़्यादातर स्टे करते हैं। ये सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। और यह है शाइनिंग टावर्स। और अभी मैं जा रही हूँ और आगे की तरफ, सामने बड़ा खूबसूरत सा फाउंटेन है जो कि 24 आवर्स ऑन रहता है, और कुछ ग्रुप ग्रीनरी भी इन्होंने बनाई हुई है। शारजा इस्लामिक बैंक भी है। यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है जिस पर हर वक्त एडवर्टाइज़ वगैरह चलते रहते हैं। यहाँ पर पार्किंग है फ्रंट पर। सामने श्वेतराम्स बिल्डिंग है, मार्केट है, और इधर भी ग्रॉसरी वगैरह के आइटम्स आप ले सकते हैं। ये देखिए जो लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तानी और इंडियन होटल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे रेट्स पर आपको फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये अगेन आ चुकी है एक कॉफ़ी शॉप जिसे बड़ी अच्छी सी लाइटिंग से डेकोरेट किया हुआ है। एक्चुअली ये सिटी का मेन ऑफ द सिटी है, तो यहाँ पर आपको हर जगह पर दुकानें, रेस्टोरेंट और मार्केट्स वगैरह मिलेंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इसको रखा हुआ है, लेकिन अभी पब्लिक नहीं है, गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो आउटडोर एक्टिविटी लोग नहीं करते, ज़्यादातर इंडोर ही लोग चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए आते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड स्क्वायर बिल्डिंग है, और नीचे यहाँ पर होटल, सॉरी क्लिनिक बना हुआ है, एस्ट्रो क्लिनिक। और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ खालिदिया मॉल की तरफ। ये देखिए ट्रीज़ को कितनी अच्छी सी लाइटिंग्स की हुई है। यहाँ पर हर जगह पर आपको रौनक नज़र आएगी, लाइटिंग नज़र आएगी। सामने से खालिदिया मॉल नज़र आने लगा है, और यही मेरी डेस्टिनेशन है जहाँ पर मुझे जाना है। ये देखिए ये सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK हर तरह के फ्लैट्स मिलेंगे। सामने बनाया हुआ है इन्होंने वॉकिंग ट्रैक जो कि आम पब्लिक के लिए है, और साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये आ चुका है खालिदिया मॉल जो कि मेरी डेस्टिनेशन है, और मैं अब जाने लगी हूँ अंदर की तरफ। ये खालिदिया सिटी का खालिदिया मॉल है, क्योंकि मेन खालिदिया सिटी में है तो इसका नाम भी खालिदिया मॉल है। और मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर, यही मेरी डेस्टिनेशन है। मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ। यहीं पर व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।